अंदर वीडियो, मेरा नाम है संजय। और अगर आप फ्रेंड लामडिंग से हो तो आपको डेफिनेट पता होगा कि बंधुसभ क्या होता है। और बंधुसभ लामडिंग का जो तीन बड़ा उत्सव होता है, जैसे दुर्गा पूजा, दूसरा हो गया शीतला पूजा और थर्ड हो गया बंधुसभ, ये तीनों ही सबसे बड़ा मतलब उत्सव के तौर पर मनाया जाता है लामडिंग में। तो इसमें से बंधुसभ अक्सर आपने सुना होगा बंधुसभ, तो एक्चुअली ये बंधुसभ होता कहाँ पर यही दिखाऊंगा आज का इस वीडियो में। और उस प्लेस का अभी फिलहाल कंडीशन क्या है, जब बंधुसभ होता तब वहाँ पर का उसका मतलब उसका कंडीशन कुछ अलग हो जाता है। मतलब हज़ारों का तादाद में लोग होते हैं वहाँ पर, और आफ्टर बंधुसभ उसका कंडीशन कैसा रहता, और फिर जब बंधुसभ दोबारा आएगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, उसमें वो कौन सा प्लेज है, कितने मतलब बड़ा एरिया में फैला हुआ है जहाँ पर यह बंधुसभ होता है, यही दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम उस प्लेस को, उस प्लेस मतलब कहाँ से होके जाना है। सो फ्रेंड्स, ये जुलनपुर का लास्ट एरिया है, तो हमें यहाँ से जनाया दी के जुलनपुर का एरिया है और हमें इसका ठीक मतलब लास्ट यहाँ से मतलब ये तो स्टेट आपका बाज़ार के लिए निकाल रहा है लमडिंग मार्केट के लिए, और यहाँ से लास्ट जो आपका नीचे जाने से नदी मिलेगा यहाँ पर जो लमडिंग का नदी है। तो हमने जुलनपुर से जाना है तो हमने सोचा कि इस रास्ते को ही सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे आपको नदी दो बार पार होना पड़ेगा, हमें जो छोटा सा नदी है ये दो बार पार होना पड़ेगा।